हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद पूनम सांगवान के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए गुजिया की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए गुजिया बनाने की तैयारी करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक कटोरी मैदा ली है और मैदा को परात में डाल दिया है। और डालने के बाद में अब यहाँ पर 4 से 5 चम्मच मैंने घी लिया है और घी को अच्छी तरह से मैदा में मिक्स कर लेंगे। घी की जगह आप तेल भी ले सकते हो। अगर घी डालोगे तो गुजिया सख्त और क्रिस्पी बन के तैयार होएंगी। तो घी को अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद में अब यहाँ पे एक मुट्ठी बांध के देख लेंगे। तो मुट्ठी अच्छी तरह से बन रही है, तो मोइम अच्छी तरह से मिल गया है। तो अब यहाँ पे आटा लगाएंगे। तो आटा के लिए यहाँ पे गुनगुना पानी लेना है और आटा सख्त लगाना है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेंगे। तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आटा लगा लिया। आटा लगाने के बाद में अब यहाँ पे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो यहाँ पर ढक के साइड में मैंने रख दिया है। तो अब यहाँ पर गुजिया के लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 10 से 15 काजू लिए हैं और 10 से 15 ही बादाम लिए हैं। इनको बारीक बारीक मैंने काट लिया है और 10 से 15 ही पिस्ता लिए हैं और 2 छोटी चम्मच किशमिश ली है और 2 कप नारियल बुरादा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप नारियल बुरादा लिया है। तो अब गैस के पास चलते हैं। तो गैस को ऑन कर लेंगे। गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है। तो अब यहाँ पे 1 चम्मच घी डालेंगे। घी को गर्म होने देंगे। तो घी गर्म होने के बाद में अब यहाँ पे लेंगे सूजी। सूजी यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है। सूजी यहाँ पे मोटी पतली कौन सी भी ले सकते हो। तो यहाँ पर सूजी को भूनना है। तो सूजी को यहाँ पे मीडियम टू स्लो गैस के ऊपर भूनना है। तो सूजी को भूनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो सूजी को हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है। सूजी का कच्चापन निकालना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो यहाँ पर सूजी को लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर सूजी को 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है भूनते हुए। तो यहाँ पर सूजी अच्छी से भून चुकी है। तो यहाँ पर सूजी का अच्छा हल्का सा कलर आ गया है। तो अब यहाँ पे काजू बादाम और नारियल को मैंने पहले ड्राई नहीं किया था। तो अब यहाँ पे सूजी में डाल देंगे। तो सूजी में डाल के 1 मिनट के लिए यहाँ पे सूजी के साथ हल्का सा पका लेंगे। तो अब यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर सूजी के साथ सभी ड्राई फ्रूटों को 1 से 2 मिनट के लिए मैंने चला लिया था। तो अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो दूसरे बर्तन में निकालने के बाद में अच्छे पूरे से तरह से ठंडा होने के बाद में अब यहाँ पे चीनी के पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप चीनी का पाउडर डाला है। चीनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। जिसे मीठा ज़्यादा पसंद है तो 1.5 कप से ज़्यादा डाल सकते हो। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मावा डाल के नहीं बना रही हूँ, बगैर मावा डाल के बनाया है। ड्राई फ्रूट और डाल के ही बनाया है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट में चीनी को मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद में अब आटे को दोबारा से एक बार मल लिया था। तो आटे को मलते हुए यहाँ पे मेरी वीडियो कट हो गई थी। तो यहाँ पे सभी लोई बना के रख ली थी। लोई बनाने के बाद में एक यहाँ पे एक पूरी जितनी रोटी बेल लेंगे। तो अब यहाँ पे मैं हाथ से बना रही हूँ गुजिया को। तो
साइड से पानी किनारे के ऊपर पर पानी लगा देंगे। पानी लगा के अच्छी तरह से चिपका देंगे। अच्छी तरह से चिपकाना है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच स्टफिंग डाल दी थी और अच्छी तरह से चिपका दी है। और चिपकाने के बाद में अब यहाँ पे किनारियों को अंदर की साइड में हल्का हल्का मोड़ देंगे तो इसको तलते हुए फटेगी नहीं। कई बार गुजिया फट जाती हैं तो इसलिए यहाँ पे किनारे को साइड से अच्छी तरह से चिपकाने के बाद में हल्की हल्की सी मोड़ देंगे। अगर आप सिंपल रखना चाहते हो तो आप सिंपल भी रख सकते हो। अगर इसमें मार्केट जैसे तरह डिजाइन देना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने फोक से डिजाइन कर दिया है हल्के हल्के हाथ से। तो इसी तरह से सभी गुजिया बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी गुजिया बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब गैस के पास चलते हैं। तो गैस के ऊपर तेल को हल्का सा गर्म रखेंगे। हल्का सा गर्म होने के बाद में अब यहाँ पे गुजिया को डाल देंगे। गुजियों को स्लो गैस के ऊपर सेकना है तो गुजिया अच्छी तरह से अंदर तक सीख जाएंगे। तो गुजियों को अच्छी तरह से पलट पलट के सेकना है और गुजिया को हल्का सा ब्राउन कलर तक सेकना है। अगर दोस्तों आपको गुजियों की रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करना। तो यहाँ पर गुजिया को मैंने अच्छी तरह से सेक लिया है। अगर गुजिया तेल में डालने के बाद में फट जाती है तो उसे तुरंत निकाल लेना, नहीं तो सारे तेल को ख़राब कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गुजिया को सेक के निकाल ली है। इसी तरह से बची हुई गुजिया को सेक लेंगे। तो यहाँ पर गुजिया बनके हमारी तैयार हो गई है। तो गुजिया आपकी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करना। धन्यवाद।